हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो वहीं से स्टार्ट हुई है जहां से हमने कल छोड़ी थी। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये हमारे ब्लॉग का सेकंड पार्ट है, जरूर वॉच कीजिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो पे अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं लुलू माल की सेकेंड पार्ट। फ्रेंड्स, जरूर जरूर से फुल वॉच कीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, ये देखिए, अभी हम लोग हैं हाइपर मार्केट में ही, और हाइपर मार्केट में ये सारे सामान अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे तो ग्रॉसरी के सामान है ही हैं, और उसके साथ ही साथ स्टेशनरी, वेजिटेबल, फ्रूट्स और खाने की भी वैरायटी, फूड्स वगैरह हर कुछ आपको हाइपर मार्केट में अवेलेबल मिलेगा। फ्रेंड्स, हर कुछ हम लोग हाइपर मार्केट से ले सकते हैं, और काफ़ी अच्छा सामान रहता है, काफ़ी फ्रेश सामान रहता है। ये देखिए, ये हॉट पॉट इतने बड़े बड़े हैं फ्रेंड्स, ये भगोने, और हॉट पॉट तो इतना बड़ा है कि अगर हम इसमें ढेर सारी बिरयानी या पुलाव या चावल निकाल दें तो कम से कम 20 से 25 लोग एक बार में खा सकते हैं। फ्रेंड्स, इतना बड़ा हॉट पॉट। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे हस्बैंड डार्क चॉकलेट देख रहे थे और कह रहे थे मुझसे ले लो, मगर मुझे डार्क चॉकलेट बहुत कम पसंद है, ज़्यादा नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे कड़वी कड़वी लगती है। और उसके बाद असीम सर ने अपने लिए लिया किशमिश, पता नहीं लिया कि नहीं, मुझे नहीं पता था मेरे फ्रेंड, मगर असीम सर देख रहे थे। उसके बाद फिर हमने पानी पूरी की पैकेट देखा, वो भी देखने में काफ़ी यम्मी थी पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थी। फ्रेंड, फिर हम लोग आम की तरफ आए, और आम देख सकते हैं आप लोग कितने ज़्यादा येलो और फ्रेश लग रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे आम थे फ्रेंड, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी थी और देखने में बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रहे थे। असीम सर ने मैंगो लिया, और ये देखिए ऑरेंज, और हर तरह के फ्रूट फ्रेंड जो भी आप देखेंगे वो एकदम फ्रेश आपको दिखेंगे, कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे बेकार नहीं मिलेगी, हर चीज़ फ्रेश होगी फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड, हमने लिया था खजूर, जो कि कल के वीडियो में आपको दिखाया था, और यहाँ पे सारे छिले हुए लहसुन भी हैं, जो लोग जॉब करते हैं या ऑफिस वर्क करते हैं फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए यहाँ बहुत ही आसानी से सामान अवेलेबल है। और ये देखिए, रेड कैबेज वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, फ्रेश लग रही है फ्रेंड्स। फिर हमारे हस्बैंड फ्रूट्स देख रहे थे, जो कि कटे हुए एक बॉक्स में पैक रखा था, पर मैंने उनसे बोला यहाँ से नहीं लें, दूसरे साइड में कटे हुए फ्रेश फ्रूट अलग रखे हुए थे, जिनको खुद अपने हाथों से अपने हिसाब से पैक करना था, जो कि हम ज़्यादा पसंद करते हैं वो ज़्यादा ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैंगो देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ये रेड वाला मैंगो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हर तरह की वेराइटी का मैंगो आपको दिखेगा, हर यहाँ पे रेड कलर का, येलो कलर का। ये देखिए ऊपर वाले मैंगो तो बिल्कुल जैसे एप्पल के जैसे लग रहे हैं, जैसे लग रहा है ये एप्पल है, मगर फ्रेंड्स ये एप्पल नहीं है, ये सब मैंगो ही है, और कितने ज़्यादा फ्रेश एंड यम्मी लग रहे हैं खाने में, पता नहीं कैसे। ये देखिए रेड कलर का बनाना भी यहाँ पर है फ्रेंड्स, ये सब तो हम लोग बहुत ही कम ही देखने को पाते हैं, यहीं पर हमने देखा है फर्स्ट टाइम रेड कलर का बनाना, तो हमने अपने हस्बैंड को बोला कि रेड और येलो को एक साथ दिखाएं दोनों बनाना को, ताकि हम अपने यूट्यूब फैमिली को दिखा सकें। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारे हस्बैंड दोनों बनाना एक साथ दिखा रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये सारे फ्रूट्स यहाँ पे फ्रेश थे, और मैंगो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, और हर तरह का, हर वेराइटी का मैंगो था फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से आया था ये मैंगो, बहुत ही ज़्यादा। अगर हम अपनी वीडियो बनाते रहते फ्रेंड ना, तो हमारा मोबाइल पूरा फुल हो जाए, मगर यहाँ के वीडियोस नहीं ख़त्म होंगी, इतनी ज़्यादा यहाँ पे वैरायटीज़ हैं। और ये देखें, ये हर तरह की चीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है फ्रेंड्स, जिस तरह की भी चीज़ आपको चाहिए, जिस भी फ्लेवर की चीज़ आपको चाहिए यहाँ पे अवेलेबल है फ्रेंड्स, हर तरह की चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। और फ्रेंड्स, आप ये जो रेड रेड देख रहे हैं, ये भी एक तरह की चीज़ ही है, इसके अंदर चीज़ है फ्रेंड्स, ऊपर से रेड
रैप करा है गया है, और ये भी चीज़ है फ्रेंड्स, और हर तरह की चीज़ है फ्रेंड्स, जिस भी वैरायटी की आप जिस भी फ्लेवर की चीज़ चाहेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो कि हमें कहीं और नहीं मिलेगी, यहीं पे अवेलेबल है फ्रेंड हर तरह की चीज़। फ्रेंड्स, और यहाँ से फिर असीम सर ने खरीदे बेसन के लड्डू, जो कि 2 डिब्बा खरीदा था, और जिसमें से 1 डिब्बा अपने घर के लिए लिया, जिसमें से हम सब ने खाया था असीम सर के घर पे जाके, और बहुत ही फ्रेश और यम्मी लड्डू थे। और 1 डिब्बा उन्होंने हमारे ससुर को दिया था कि अपने घर ले जाना, फिर हमने अपने घर ला के अपने ससुर को वो दिया फ्रेंड्स, और लड्डू सच में बहुत ज़्यादा यम्मी एंड टेस्टी थे। और उसके बाद फिर असीम सर ने यहीं से पैक कराया डिनर, और डिनर में पैक कराया था मिक्स वेज, पनीर, रोटी एंड अमृतसरी फिश, जो कि सब कुछ बहुत ज़्यादा यम्मी था फ्रेंड्स। और यहाँ पे खाना भी एकदम फ्रेश, एकदम हॉट होता है, गर्म होता है फ्रेंड्स, जो भी चीज़ हम लेना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि टेस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना होता है यहाँ का खाना। कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे ख़राब नहीं मिलेगी, हर चीज़ में आपको टेस्ट मिलेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे वेज एंड नॉन वेज हर तरह का फूड यहाँ पे अवेलेबल है। जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए अलग साइड है, जो वेज खाते हैं उनके लिए अलग साइड है फ्रेंड्स। और सारे खाने वेज एंड नॉन वेज बहुत ही टेस्टी है, यम्मी होता है फ्रेंड्स। फिर हमारे हस्बैंड लेने के लिए आ गए थे फ्रूट्स, और हमने उनको बोला कि जो फ्रूट्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो उसको आप एक बॉक्स में पैक कर लें फ्रेंड। फिर उन्होंने हर तरह के थोड़े थोड़े से फ्रूट्स एक बॉक्स में डाला, और ये देखिए उन्होंने ड्रैगन फ्रूट डाला था, पाइनएप्पल डाला था, और वाटरमेलन डाला था, मैंगो और ग्रीन एप्पल एंड रेड एप्पल, उन्होंने सब कुछ एक बॉक्स में पैक कराया फ्रेंड। फिर उसकी पेमेंट किया फ्रेंड, पेमेंट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे पेमेंट नहीं होनी थी, पेमेंट काउंटर पे होनी थी। फिर उन्होंने काउंटर पे उसकी पेमेंट कराया। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई फ्रेंड, पर हमने बहुत ज़्यादा वीडियो काटने की कोशिश किया, मगर फिर भी इतनी वीडियो बची गई फ्रेंड्स। हमारी वीडियो को ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आई होप आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और फ्रेंड, फिर यहाँ पे हर तरह के शेक्स थे, जो फ्रेंड हम लोग घर में मोहब्बत के शरबत के नाम से फेमस है, वो शरबत भी यहाँ पे था, मैंगो शेक था,
और हर तरह के शेक्स थे फ्रेंड्स यहाँ पे। फिर मगर फ्रेंड्स जिस हिसाब से था उस हिसाब से हमको काफ़ी एक्सपेंसिव लगा, तो फिर हमने कोई भी शेक नहीं लिया, फिर हमने सिर्फ वीडियो बना ली। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह और हर तरह का फ्लेवर का हलवा यहाँ पे अवेलेबल था। उसके बाद फ्रेंड फ्रूट्स की पेमेंट करने के बाद हम लोगों ने अंदर ही फ्रूट्स भी खा लिए हमने और बच्चों ने दोनों, और साथ ही में हम लोगों ने भी खाया फ्रेंड्स। और फ्रूट भी काफ़ी फ्रेश था, यम्मी था। फ्रेंड्स और यहाँ पे हर तरह के केक भी अवेलेबल थे फ्रेंड्स, चाहे छोटे बड़े पेस्ट्री डोनट जो भी चीज़ें हमें चाहिए हर तरह का केक यहाँ पे अवेलेबल था फ्रेंड्स। बहुत लोगों को बड़ा केक नहीं चाहिए होता है, छोटे ही केक चाहिए होता है फ्रेंड्स। तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में, बहुत ही प्यारे कलर में, येलो एंड वाइट कलर का फ्रेंड्स यहाँ पे छोटे छोटे से केक्स रखे थे। मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा प्लान था कि मुझे 1K सेलिब्रेट करना है लुलु मॉल में जाके फ्रेंड्स, मगर यहाँ पे थोड़ा आज टाइम कम था तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे आज नहीं किया। फिर हम लोगों ने फिर नेक्स्ट टाइम का प्लान बनाया था कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तब इंशाल्लाह यहाँ पे 1K सेलिब्रेट करेंगे। तो उस टाइम तो हम लोगों ने कोई भी केक नहीं लिया फ्रेंड्स, मगर यहाँ के केक बहुत ही ज़्यादा यम्मी एंड टेस्टी होते हैं फ्रेंड्स। हर तरह के वैरायटी के केक आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, ये नॉनवेज साइड है और यहाँ पे हर तरह के चिकन, ब्रॉस्ट चिकन, रोस्टेड चिकन, हर तरह के चिकन फ्रेंड्स आपको यहाँ पे, चिकन है, फिश है, मटन है और हर तरह के ग्रेवी वाले और चिकन की पकौड़ी, चिकन के मोमोज और हर चीज़ आपको चिकन के और मटन के यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे फ्रेंड्स। कबाब वगैरह हर कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा रेडीमेड, जो कि सिर्फ आपको फ्रिज करना रहेगा और जब भी आपका मन करे आप बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। ये देखिए चिकन सारे बने रखे हुए हैं फ्रेंड्स, और ये सब बहुत ही ज़्यादा यम्मी, इन सबका टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा होता है।
फ्रेंड्स उसके बाद जब हम लोग हाइपर मार्केट से निकल के बाहर आए फ्रेंड, पहले तो हम लोगों ने बिलिंग कराई है सारे सामान की, सब सामान की बिलिंग कराने के बाद हाइपर मार्केट से बाहर आए तो बाहर सेल लगी हुई थी बच्चों की, हर चीज 50% मिल रहा था फ्रेंड्स। फिर हम लोग उसके बाद बाहर निकले जहाँ पे हम लोगों की गाड़ी पार्क की थी, पार्किंग में थी फ्रेंड्स। अब हम लोग वापसी कर रहे थे अपने घर के लिए और हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया, असीम सर ने काफ़ी घुमाया फिराया, काफ़ी इंजॉय भी कराया फ्रेंड्स। और थैंक यू सो मच असीम सर आपका। और फ्रेंड्स ये देखिए हम लोग अपनी गाड़ी तरफ जा रहे हैं और पहुँच चुके हैं और फिर हम लोग सीधे अपने घर की तरफ जा रहे हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स फिर हम लोग घर पहुंच चुके थे और घर पहुंचने के साथ ही असीम सर ने हम लोगों को खिलाया लड्डू जो कि हम लोग लुलू माल से लाए थे, बेसन के लड्डू जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और उसके साथ ही बनाया चाय, भाभी ने बनाया था चाय जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी फ्रेंड्स। और ये देखिए फिर असीम सर ने अपने बालकनी से हमको पूरी अपनी सोसाइटी दिखाया, उन्होंने कहा पूरी वीडियो बना लो हमारे इस कॉलोनी की, फिर हमने पूरी कॉलोनी की वीडियो बनाई फ्रेंड्स। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ठंडा ठंडा सा था क्योंकि यहाँ हरियाली थी असीम सर के कॉलोनी में। ये बहुत ही यूनिक स्टाइल का बल्ब भी लगा हुआ था और ये असीम सर के बेडरूम में बहुत ही प्यारा सा भी अच्छा सा बल्ब लगा हुआ था, लैंप लगा हुआ था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। वो कलर बदल रही थी, लाइट 3 कलर में आ रही थी फ्रेंड्स, असीम सर ने हमको दिखाया फ्रेंड्स। उसके बाद फिर हम लोगों ने किया डिनर जो कि हम लोग लुलू माल से लेकर आए थे, मतलब कि असीम सर हम लोगों के लिए लुलू माल से लेकर। फ्रेंड्स सबसे बड़ी तो बात है कि कोई भी किसी ने भी आज तक अपना बेडरूम नहीं शेयर किया, मगर असीम सर ने हम दोनों को अपना खुद का बेडरूम दे दिया था रहने के लिए और अपना खुद दूसरे रूम में थे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।